फिर से आपका एक बार स्वागत है भक्ति वचन पर। आज से हम याकूब की पत्री का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इसमें 5 अध्याय हैं। इसका मतलब है हम इस अध्ययन को 5 सप्ताह में करेंगे, क्योंकि हम एक अध्याय पर 5 दिन बिताते हैं। और अगर आप पूछे कि बाइबल की यह किताब किस बारे में है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि यह किताब पहले तो हमें बताती है कि यीशु पर जो विश्वास है वो काम करता है। बहुत पुरानी बात है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और मैंने एक चाइनीज फोन खरीद लिया। उन दिनों ना ब्लूबेरी आया करता था, कुछ 15-1 साल पहले की बात है, और काफ़ी महंगे होते थे ब्लूबेरी। और जो फ़ोन था, जो चाइनीज फ़ोन मैंने ख़रीदा, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता था। अब ये फ़ोन खरीद कर मैं फंस गया, क्योंकि सही से काम ही नहीं करता था। ये विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। जो विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, दूसरी चीज़ों पर होता है, वह हो सकता है विश्वास जैसा दिखे पर होता नकली है, काम ही नहीं करता। याकूब का यह पत्र हमें प्रोत्साहित करता है कि आपके पास असली विश्वास है और नकली से आपको काम चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम विश्वास को प्रतिदिन के जीवन में काम में लगा सकते हैं। कई बार हमारे पास सही चीज होती है पर उसे काम लेना नहीं आता। मैंने एक और फोन लिया, पता नहीं मैं क्यों फोन के ही आज उदाहरण दे रहा हूं आपको, और उसमें फोन में बहुत ही बढ़िया फीचर्स थे पर मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मेरे लिए उनका कोई फायदा नहीं था। क्या फायदा उन फीचर्स का जो मेरे को पता ही नहीं। वैसे ही विश्वास तो है आपका यीशु मसीह पर, कैसे उस विश्वास को मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में काम में लगाऊं, यह किताब हमें इस बारे में बताती है। तो पहले अध्याय की पहली आयत में याकूब यह कहता है, यह पत्र परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है, संसार भर में बिखरे हुए 12 कुलों को नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह याकूब है कौन। यह प्रेरित याकूब तो नहीं है जो यीशु के 12 चेलों में से एक था, यह वह नहीं है, क्योंकि वो तो कलीसिया के शुरू होते ही तो वो शहीद हो गया था। तो जो प्रेरित की पुस्तक में सबसे पहले शहीद हुआ याकूब, ये वो नहीं है। तो कौन है ये? ये है यीशु का सौतेला भाई। सौतेला क्यों? क्योंकि यीशु के पिता खुद परमेश्वर थे और कुंवारी मरियम के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। यूसुफ यीशु का लालन पालन करने वाला पिता था, पर याकूब मरियम और उसके पति यूसुफ का बेटा था। तो इस तरह से क्या हुआ, वो यीशु का सौतेला बेटा हुआ। माँ एक है पर पिता उसका वो नहीं था। अगर आपने मती रची सुसमाचार पढ़ा है या फिर भक्ति वचन पर आप मेरे साथ मती के अध्याय में जुड़े थे, तो आप जानते होंगे कि मती के 13 अध्याय के 55 और 56 आयात में हमें यीशु के परिवार के बारे में जानने को मिलता है। सुनिए वहां क्या लिखा हुआ है, क्या यह वही बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा इसी के तो भाई है ना? क्या इसकी सभी बहनें हमारे ही बीच नहीं हैं? अब बहनें कितनी थी यह तो नहीं पता, पर 4 भाइयों के नाम यहाँ पे लिखे हुए, जिसमें याकूब और यहूदा भी था। यहूदा का लिखा हुआ भी एक पत्र हमें मिलता है, छोटा सा पत्र है पोस्ट कार्ड के साइज का, जो आपको प्रकाशित वाक्य से पहले मिल जाएगा। और ये जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, ये है याकूब का लिखा हुआ पत्र। नए नियम में हमें यह समझ में आता है कि यीशु के जितने भी भाई थे, 4 जो भाई थे, उसमें से कोई भी उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले और पुनरुत्थान से पहले कोई भी उसके विश्वास में नहीं आया। यूहन्ना 7 अगर 3-5 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यीशु उनके साथ पे चला, उनके साथ पला बड़ा और उनके साथ खेला, और उनके हिसाब से वो साधारण सा ही व्यक्ति था। तो जब वह सिखाने लगा, आश्चर्य कर्म करने लगा, लोग चंगे होने लगे, और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पर प्रेरित 1:14 में हम देखते हैं कि फसह के पर्व के दिन उस ऊपर वाले कमरे में याकूब था मरियम और दूसरे भाइयों के साथ। जब कलीसिया की स्थापना हुई तो याकूब वहां था। मतलब यीशु की क्रूस की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बीच कुछ तो हुआ कि वे लोग उस पर विश्वास करने लगे। पहला कुरिन्थियों 15:7 में हम ये पाते हैं कि यीशु याकूब से मिला और उसके बाद वो प्रेरितों से मिला। अब सोचिए, यीशु उन लोगों के साथ पला बढ़ा, वे उसे साधारण से मनुष्य समझते थे, तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनके सामने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसे मार डाला गया, वे शर्म और दुख में होंगे। और यीशु जब वापस जिंदा होकर आया तो सबसे पहले वो याकूब से मिला उसकी, और उस मुलाकात ने याकूब की जिंदगी बदल दी होगी। उसको समझ में आया होगा कि उसका जो भाई है वो केवल भाई नहीं है, वो परमेश्वर है।
इतने की उसकी इतनी इतनी जिंदगी बदल गई होगी कि याकूब जो है वो जिसके हम किताब पढ़ रहे हैं वे यरूशलेम की जो पहली कलीसिया थी उसका नेता बना। जो पहला कलीसिया यरूशलेम में शुरू हुआ था उसमें सारे यहूदी ही थे, तो याकूब कह सकता है कि यहूदियों का अगुवा था। आप प्रेरित 15 अध्याय में देख सकते हैं कि याकूब एक सशक्त और महत्वपूर्ण नेता था। और यहां आप देखते हैं कि उसके पत्र का पहला वाक्य, वह कह सकता था याकूब यीशु का भाई, पर वह ऐसा नहीं कहता। वह कहता है याकूब जो परमेश्वर और यीशु मसीह का दास है। यहां पे बात केवल विनम्रता की नहीं है, पर यह पहचानने की है कि जिसके साथ वह पला बड़ा, खेला कूदा, वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर है, मसीहा है। और याकूब खुद को उसका दास बताता है, और वह इस चिट्ठी को लिख रहा है 12 गोत्रों को जो तितर बितर हो गए हैं। अब अगर हम आप पुराना नियम देखेंगे तो पाएंगे कि इज़राइल के 12 गोत्र थे, और क्योंकि याकूब यहूदी यीशु विश्वासियों का नेता था, वह उन यहूदियों को लिख रहा है जो तितर बितर हैं, मतलब इज़राइल के बाहर रहते हैं, रोमियो साम्राज्य के अलग अलग जगह में। वे यहूदी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके पीछे चलना चाहते थे, और याकूब उसके विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे लिख रहा है। अब यहूदियों को ही क्यों? क्योंकि वह यहूदी विश्वासियों का नेता था, जैसे कि पौलुस अन्य जाति को लिखा करता था ज्यादातर, और वह क्योंकि वो उनका नेता था। तो कल से हम इस किताब को देखना शुरू करेंगे, पर आज मैं आपको बता दूं कि आप इस किताब से क्या सीखते हैं और जानने की अपेक्षा रख सकते हैं। अगर मैं कहूं तो यह किताब मसीह जीवन जीने के लिए एक गाइड बुक की तरह है। अगर मैं एक मसीह विश्वासी हूं तो कैसे मैं अपने विश्वास को बुद्धिमानी के साथ जी सकता हूं, कैसे मैं अपने विश्वास के द्वारा एक दुनिया में, अपने जीवन में, अपने आसपास अंतर पैदा कर सकता हूं। तो मैं आपको याकूब की पत्री की एक रूपरेखा बता दूं। याकूब 1:2-12 बात करता है कि जब आपके मन में संदेह हो, शंका हो, जब आप पे समस्या आए, विपत्ति आए, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप अपने विश्वास के साथ जीते हो। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब प्रलोभन होता है, उस समय विश्वास की सबसे अधिक जरूरत होती है। यह हमें 1:13-18 में इसके बारे में देखने को मिलता है। 19:27 बात करता है कैसे आप विश्वास अपने कर्मों से आचरण में तब्दील हो जाता है। याकूब 2:1-13 में हम सीखते हैं कि हमारे विश्वास के मद्देनजर हमारे दूसरों के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, कैसे हमें रिश्ते को निभाना है बिना मतभेद के, बिना पक्षपात किए। और फिर याकूब 2:14-26 हमें विश्वास और कर्मों के बीच के संबंध को बताता है, जो हमें इस किताब में बहुत देखने को मिलेगा। विश्वास के कर्मों के बिना विश्वास बेमानी है। याकूब बताता है कि वास्तविक विश्वास वह है जो उचित कर्म उत्पन्न करता है, जो दूसरों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालें। याकूब 3:1-12 बात करता है जुबान पर काबू रखने के बारे में, कौन है जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है। याकूब 3:13 में बात करता है याकूब कि विश्वास कैसे हमारी डाहा और घमन को खत्म करता है। और फिर आगे याकूब 4:1-12 में हमें सिखाता है कि डाहा एक दूसरे से मतभेद उत्पन्न करता है और कैसे हम झगड़े से बच सकते हैं। 4:13-17 में याकूब फिर से घमंड के बारे में चेतावनी देता है। याकूब 5:1-6 लालच के बारे में है, और 5:7-12 धीरज के बारे में। डाहा, घमंड, मतभेद, झगड़ा, धैर्य की धीरज की कमी, यह सब हमारे जीवन की वास्तविकताएं हैं, ये वास्तविक संघर्ष है हमारे। कैसे इन सब के बीच हम विश्वास को काम में लगा सकते हैं। और फिर 5:13-20 में याकूब अपने पत्र को खत्म करता है एक प्रार्थना की शक्ति के साथ। तो यह थी याकूब की पत्री की रूपरेखा। अगर आप मुझसे इसकी सबसे महत्वपूर्ण आयत चुनने को बोले तो इस पूरी किताब के उद्देश्य को दर्शाती है, तो वह है याकूब 1:22। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। तो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य शब्द है पालनकर्ता बनो। यह है इस किताब का उद्देश्य, इस किताब का निचोड़। केवल वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। और याकूब की यह किताब हमें यही बताती है कि कैसे। कुछ लोग इस किताब को नए नियम का नीति वचन कहते हैं, जैसे पुराने नियम में नीति वचन बुद्धिमानी से चलने की किताब है, याकूब मसीही जीवन को बुद्धिमानी से चलने की किताब है। यह तो ठीक है, पर जब मैं याकूब की इस किताब को पढ़ता हूं
तो मुझे यीशु मसीह की शिक्षाएं दिखाई पड़ती हैं। याकूब यीशु की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। याकूब को और मती के जो मती में जो पहाड़ी उपदेश दिए हैं उसकी तुलना करना काफी रोचक है। कुछ एक तुलना में आपको मैं आयात बताता हूं। याकूब 1:4 में लिखा हुआ है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पहाड़ी उपदेश में यीशु कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। पहाड़ी उपदेश में यीशु कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। याकूब 1:22 में याकूब कहता है वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यीशु अपने पहाड़ी उपदेश के अंत की तरफ कहता है जो कोई भी मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। याकूब 2:5 में याकूब कहता है क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है ताकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। याकूब 2:10 में क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। यीशु कहता है मती में पर्वत उपदेश में जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। याकूब एक तरह से यीशु की ही शिक्षाओं को बांट रहा है। याकूब बात कर रहा है कि जो कुछ भी यीशु ने सिखाया उसे कैसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हो। यही तो मुझे चाहिए। और अगर आप एक सच्चे मसीही हो, यीशु मसीह के अनुयायी हो, तो आपको भी यही चाहिए, ऐसी आशा रखता हूं। तो जब हम याकूब की पत्री का अध्ययन आरंभ करने वाले हैं कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि यीशु हमारे जीवन में यही करे कि हम वचन के केवल सुनने वाले ना बने उस पर चलने वाले भी बने। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरे पर विश्वास वास्तविक है और यह सब कुछ बदल सकता है। हमारा अभी का जीवन और अन्य जीवन भी हम चाहते हैं कि हमारे विश्वास में हमें बदलाव आए। जिस तरह से हम समस्याओं के सामना करते हैं, प्रलोभन का सामना करते हैं, हम किस तरह से रिश्तों को जीते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर और बाहर चलता है उसकी तरफ हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है सब बदल दे तू। हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास प्रभाव डाले। तो एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम याकूब का यह पत्र पढ़ें तू हमसे बातचीत कर और न केवल हम सुनने वाले बने पर तेरे वचन को करने वाले भी बने। हमें सामर्थ्य यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। कल हम बात करेंगे कि विश्वास कैसे काम करता है जब आप समस्या का सामना करते हैं। तो कल मिलते हैं। परमेश्वर की महिमा हो।